पिछले साल HMD ग्लोबल ने नोकिया 6 के जरिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रखा था। अब इसका अपग्रेड नोकिया 6 2018 भारत में लॉन्च हो गया है। यह एक एंड्रॉइड 1 हैंडसेट है। कंपनी ने पिछले साल के हैंडसेट की तुलना में प्रोसेसर, कैमरा और डिजाइन को बेहतर किया है। मुश्किल यह है कि 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में पहले से ही Xiaomi Redmi Note 5 Pro जैसे दमदार विकल्प हैं। क्या नोकिया 6 2018 अपने लिए खास जगह बना पाएगा? आइए जानते हैं। पिछले साल की तरह नोकिया 6 2018 को सीरीज 6000 एल्यूमिनियम के एक ब्लॉक से बनाया गया है और यह हाथों में बेहद ही मजबूत होने का एहसास देता है। रियर कैमरे और फ्रेम के किनारे पर कॉपर एक्सेंट डिजाइन को बेहतर बनाने का काम करते हैं। 8.5 mm मोटाई वाला यह स्मार्टफोन सबसे पतला विकल्प तो नहीं है, वहीं डिस्प्ले के ऊपर और नीचे मोटे बॉर्डर भी फोन को बल्कि लुक देते हैं। पावर और वॉल्यूम बटन तक पहुंचना आसान है। USB टाइप सी पोर्ट भी भाता है। अफसोस कि यूजर को दूसरे सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड में से एक को चुनना होगा। फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा धीमा है और कई बार रिस्पांस नहीं देता। इस तक पहुंच पाना भी आसान नहीं है। रिव्यू के दौरान हम कई बार फिंगरप्रिंट सेंसर के बजाय LED फ्लैश को छू रहे थे। 5.5 इंच की LCD स्क्रीन का कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया है और सूरज की रोशनी में भी डिस्प्ले पर कुछ भी देख या पढ़ पाने में दिक्कत नहीं होती। व्यूइंग एंगल थोड़े निराश करते हैं। निचले हिस्से पर सिर्फ एक स्पीकर देखकर हमें निराशा हुई। पिछले साल वाले नोकिया 6 में स्टीरियो स्पीकर दिए गए थे। आवाज की क्वालिटी औसत है और कई बार लैंडस्केप मोड में फोन इस्तेमाल करते वक्त स्पीकर हथेलियों के नीचे आ जाता है। साथ में दिया गया ईयरफोन बेहद ही औसत क्वालिटी का है। अगर आप इस फोन से गाने सुनने वाले हैं तो हम आपको जल्द ही नया ईयरफोन खरीदने का सुझाव देंगे। फोन के अंदर दमदार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। अभी सिर्फ एक वेरिएंट आया है जो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज से लैस है। इसकी कीमत 16,999 रुपये है। इनबिल्ट स्टोरेज माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाना संभव है। पावरफुल हार्डवेयर और स्टॉक एंड्रॉइड के कारण आम इस्तेमाल में परफॉर्मेंस शानदार है। आसफाल टाइट जैसे पावरफुल गेम भी फोन पर बिना किसी दिक्कत के चलते हैं। अच्छी बात यह भी है कि पावरफुल गेम खेलते वक्त नोकिया 6 2018 बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता। हमारे अनुभव में कॉल क्वालिटी भी अच्छी थी। कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में भी 4G कनेक्टिविटी मजबूत रही। एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन होने के कारण नोकिया 6 एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के शुद्ध वर्जन के साथ आता है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप पहले से मौजूद नहीं है। आपको ग्लांस स्क्रीन नाम का एक फीचर मिलेगा जो मिस्ड कॉल, अलार्म, मेल या मैसेज के नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन में दिखाता है। HMD ग्लोबल ने वादा किया है कि नोकिया 6 को इस साल एंड्रॉइड P का अपडेट मिलेगा और अगले साल एंड्रॉइड Q अपडेट भी दिए जाने का वादा है। नोकिया 6 2018 के रियर कैमरे में HMD ग्लोबल ने ज़ाइस ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया है। अफसोस कि इसके बाद भी कम रोशनी में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई है। कम रोशनी में 16 मेगापिक्सल के रियर कैमरे से ली गई तस्वीरों में नॉइस होती है और डिटेल की भी कमी साफ झलकती है। विपरीत लाइटनिंग परिस्थितियों में ऑटो फोकस भी कमजोर पड़ जाता है। पर्याप्त रोशनी में कैमरा दमखम के साथ परफॉर्मेंस देता है। ज्यादातर मौकों पर यह सही एक्सपोजर हासिल करने में कामयाब होता है और डिटेल के साथ तस्वीरों को कैप्चर करता है। कलर रिप्रोडक्शन इस फोन का सबसे मजबूत पहलू नहीं है। ऑटो मोड में भी कलर्स थोड़े म्यूटेड लगते हैं। अच्छी बात यह है कि कैमरा ऐप में एक पावरफुल प्रोफेशनल मोड है जिसकी मदद से आप सेटिंग्स में बदलाव कर पाएंगे और ऐसा करके सटीक कलर्स पाना संभव है। हमें उम्मीद है कि नोकिया सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऑटो मोड को बेहतर बनाएगी। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पर्याप्त रोशनी रहने पर दमदार परफॉर्मेंस देता है। देखा जाए तो यह पिछले साल के नोकिया 6 के सेल्फी सेंसर से बहुत बेहतर है। रोशनी कम होने पर तस्वीरों की क्वालिटी गिरती है और इसमें कोई फ्रंट फ्लैश भी नहीं है। नोकिया 6 2018 में आप एक साथ रियर और फ्रंट कैमरे से तस्वीरें या वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। बूथी मोड एक काम का फीचर है। अफसोस कि इस मोड में फ्रंट और रियर कैमरे से ली जा रही तस्वीरों की क्वालिटी कमजोर हो जाती है। बैटरी लाइफ अच्छी है और आम इस्तेमाल में हम इसे करीब 1.5 दिन तक इस्तेमाल कर सके। फास्ट चार्जिंग की मदद से फोन की बैटरी 30 मिनट में 40% चार्ज हो जाती है। नोकिया 6 2018 एक मजबूत फोन है। बिल्ड क्वालिटी में दम है और आपको शुद्ध एंड्रॉइड मिलेगा। बैटरी लाइफ दमदार है और परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ है। हालांकि कैमरे थोड़े कमजोर हैं और जिन लोगों को पतले बेजल वाला डिजाइन चाहिए उन्हें रेडमी नोट 5 प्रो ही लेना चाहिए। तो यह था नोकिया 6 2018 का रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।